हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में आइए हम लोग एक और बिग बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये एक सिंपल एरे की प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है कि गिवन एन एरे ए आर आर ऑफ साइज एन रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ द कैंडल्स विच रिड्यूस बाय 1 यूनिट ईच डे, द रूम इज इल्यूमिनेटेड यूजिंग द गिवन एन कैंडल्स, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज द रूम इज विदाउट द डार्कनेस। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कई सारी कैंडल्स हैं और हमने उन सभी कैंडल्स को एक साथ जला दिया है, और सारी की सारी जो कैंडल्स हैं वो 1 यूनिट रिड्यूस हो जाती हैं आफ्टर द डे पासेस। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक एक कैंडल है और उसकी लेंथ 3 है तो वो 3 दिन चलेगा। इसी तरह से अगर हमारे पास एक कैंडल 2 लेंथ की है तो वो 2 दिन चलेगा, और अगर हमारे पास कैंडल 1 लेंथ की है तो वो 1 डे चलेगा। हमने क्या किया कि सारी की सारी कैंडल्स को एक साथ जला दिया है। अगर हमने सारी कैंडल्स को एक साथ जला दिया है तो इसका मीनिंग क्या है कि जो लार्जेस्ट कैंडल होगी वो सबसे ज्यादा दिन तक चलेगी। यहाँ पे पूछा भी यही जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज द रूम इज विदाउट अ डार्कनेस। इसका मतलब है कि रूम में कब तक लाइट्स रहेंगी। तो इसका मतलब है कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट कौन सा है एरे का। ऑब्वियसली बात है, उतने ही दिन जो है उजाला रहेगा हमारे उस घर में या उस रूम में। तो आइए इसको हम कोड करते हैं। कोड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे गिवन है एक एरे, और एरे की साइज एन गिवन है। मुझे क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है इस एरे का। तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया कि मैक्सिमम वेरिएबल ले लिया और उसको एरे के 0 इंडेक्स के साथ इनिशियलाइज कर दिया। और इसके बाद हम एक लूप लगा लेते हैं, और लूप में 1 इंडेक्स ऑनवर्ड्स हम आगे चलते हैं और n-1 इंडेक्स तक हम इसको प्रोग्रेस करेंगे और चेक कर लेंगे कि अगर एरे का करेंट एलिमेंट मतलब ए आर आर आई बड़ा है मैक्सिमम एलिमेंट से, देन हम मैक्सिमम को चेंज कर देंगे। मैक्स इज इक्वल्स टू ए आर आर आई। और फाइनली जब ये लूप फिनिश हमारा हो जाएगा तो जो ए आर आर है इसी को हम रिटर्न कर देंगे। यही मेरा ये ए आर आर में जो मैक्सिमम है हम इसी को रिटर्न कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। भाई इसको रन करके देखते हैं। वायलेशन एरर, एक ब्रैकेट की एरर है, इसको भी हम तुरंत रिजॉल्व कर लेते हैं। फाइन, तो हमारे पास रिटर्न मैक्सिमम करने के बाद एक ब्रैकेट होना चाहिए। रिटर्न की स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। सो ऑल इज वेल, वी कैन सबमिट दिस नाउ। आप देख सकते हैं 160 टेस्ट केसेस थे और सारे के सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।